लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने नए प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लिया है और सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने तमाम पुराने वो बड़े चेहरे जिनको इससे पहले जगह दी गई थी उनको इस नई टीम में जगह नहीं दी है और इस बार 12 प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 5 महामंत्री बनाए गए हैं, जो है 11 प्रदेश के मंत्री बने हैं। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले अपने नए जो पदाधिकारी का चयन उन्होंने किया है उसमें कुछ ही पुराने लोगों को जगह इस बार जो है बीजेपी ने दी है। तमाम नए लोगों को, नए चेहरे पर पार्टी ने विश्वास किया है और इस बार पार्टी की ये कोशिश है कि बिहार के 40 लोकसभा सीट कैसे जीती जाए, इसकी रणनीति बनाई जाए। इसलिए जो काम करने वाले युवा चेहरे हैं उनको विशेष जगह दी गई है, कई पूर्व मंत्री को इस बार छुट्टी कर दी गई है। इस बार जो नए पदाधिकारी का जो बनाया गया है उसमें जो है जो काम करने वाले लोग हैं वैसे लोगों को जो है महत्वपूर्ण पद दिया गया है। कई कुछ पुराने जरूर है लेकिन इस बार पार्टी की ये कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में 400 सीट कैसे जीती जाए, 400 सीट पर कैसे मजबूती से रणनीति काम करे, इसी को लेकर नए प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया है जिसमें 5 महामंत्री बनाए गए हैं और एक कोशिश है कि इस बार बीजेपी जब लोकसभा चुनाव के लिए जब लोगों के बीच में जाए तो अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताए, बिहार के 400 लोकसभा सीट कैसे जीती जाए इसकी विशेष रणनीति बनी है। और कई दिनों के मंथन के बाद आज पार्टी ने सूची जारी की है जिसमें पुराने लोगों की छुट्टी कर दी गई है, ज्यादातर पुराने लोगों की इस बार छुट्टी हुई है और नए लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो पार्टी ने दी है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज पटना।